गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। एल एंड एम अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और टी ट्रांसवर्सल है, ये एंगल्स का नाम दे लिया हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स छोटी क्लासेस में, थोड़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं। अगर L एंड M कोई लाइंस हो और T ट्रांसवर्सल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 है और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 है। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो इन दोनों लाइंस के बाहर हैं, यानी कि 1, 2, 7, 8। इंटीरियर एंगल्स 3, 4, 5, 6, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? 1, हम सर्कल में चलेंगे, 1, 2 और 7, 8 एक्सटीरियर हैं, तो 1 के बाद 2 को छोड़ा 7, तो 1 एंड 7 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सिमिलरली 2 एंड 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सिमिलरली इंटीरियर एंगल्स पे ध्यान दें, अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट क्या होंगे? 3, 4 को छोड़ के 5। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के एक, तो 3 लिया तो 4 को छोड़ के 5, 3, 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर। इसी तरह 4 एंड 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर। आप सर्कल में घूमेंगे चाहे ऐसे चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो 3, 4 को छोड़ के 5 या 3, 6 को छोड़ के 5, सेम ही आंसर आएगा। देन देयर वॉज वन मोर थिंग, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल्स इसके सेम साइड पे कौन से हुए? 4 एंड 5। इसी तरह दूसरी तरफ 3 एंड 6। इंटीरियर एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं या कंजेकेटिव इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम है एक। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम कहता है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। इसी तरह इसका कन्वर्स एक्सियम है आपकी टेक्स्ट बुक का एक्सियम 6.4 कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू 5, देन द लाइंस आर पैरेलल। इसी तरह थ्योरम है नेक्स्ट कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर मतलब 3 इज इक्वल टू 5 अगर दिया है आपको, देन दीज सॉरी अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। और इसी का कन्वर्स है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, देन द लाइंस विल बी पैरेलल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से आपको मिला कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो आप क्वेश्चन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ले लेंगे, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं तो आप लाइंस को पैरेलल ले सकते हैं। इसी तरह अगर लाइंस पैरेलल क्वेश्चन में दी हुई हैं तो इट इज़ अज्यूम दैट द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंड इफ यू आर गिवन दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइंस आर पैरेलल। इसी तरह एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि इंटीरियर एंगल्स अगर लाइंस पैरेलल हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, देन एंगल 4 प्लस 5 इज 180। सिमिलरली एंगल 3 प्लस 6 इज ऑल्सो 180। और अगर आपको क्वेश्चन में दिया है एंगल 3 प्लस 6 180 या एंगल 4 प्लस 5 180, देन यू कैन टेक दीज टू लाइन्स टू बी पैरेलल। आई होप इतने से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। दिस वॉज जस्ट रिविजन ऑफ वॉट यू हैव स्टडीड प्रीवियसली। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो डू आस्क।